वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सुमित सारडा है और आज का हमारा जो सेशन है वो सेशन कंसोलिडेशन के ऊपर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करेंगे, दो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, रिवर्स एक्विजिशन और दूसरा आपका चेन होल्डिंग। ये दो टॉपिक्स आज हम लोगों को कवर करना है, ठीक है। तो मैंने आने वाले दिनों का शेड्यूल भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। कल हम लीजेस के सारे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल लीजेस कवर करेंगे और उसके आगे का पूरा शेड्यूल दिया है मैंने। वेरी गुड मॉर्निंग निखिल जी। ये जो शेड्यूल है जो हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये शेड्यूल एकदम ऐसा फिक्स शेड्यूल करके नहीं रहेगा, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है डिपेंडिंग ऑन किसी टॉपिक को कितना टाइम लगता है उसके बेसिस पे, ठीक है। चलिए, हम हर रोज 10 बजे लाइव आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ठीक हूँ आयुषी, आई होप आप लोग सब भी बहुत बढ़िया है, आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। मैंने मेरा नंबर दिया है, आप लोगों को कोई भी डाउट है आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे सारे आरटीपी एमटीपी पास एग्जाम क्वेश्चंस के पूरे क्वेश्चन सीरीज को कवर करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन आए जब भी हम लोग लाइव जा रहे हैं। मोरओवर, हर रोज शाम को लॉ के सेशंस होने वाले हैं। डायरेक्टर जो आपका सब्जेक्ट है, आई थिंक कंपनीज एक्ट जो पूरा का पूरा है, उसका पूरा का पूरा रिविजन गुरु गुप्ता सर शाम को लेते हैं। आई थिंक 7:45 का कुछ तो टाइम है उनका, जो टाइम के ऊपर वो रोज लाइव आते हैं इसी चैनल पे, तो उसके भी नोटिफिकेशन आप लोगों को आते रहेंगे इसीलिए, ठीक है जी। आयुषी, गुड मॉर्निंग किरण जी। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं हम लोग। पहले गुड मॉर्निंग पूजा जी, आज जो हम लोग सेशन शुरू कर रहे हैं, पहले हम लोग रिवर्स एक्विजिशन पढ़ेंगे और उसके बाद में हम लोग चेन होल्डिंग पढ़ेंगे। तो चलिए, ये आपके टेस्ट योर नॉलेज से लिया है मैंने, टेस्ट योर नॉलेज बिजनेस कॉम्बिनेशन, जहां पे क्वेश्चन नंबर 2 रिवर्स एक्विजिशन से रिलेटेड है। चलिए आइए देखते हैं। 31st December 2001, ए इशूड 2.5 शेयर फॉर ईच ऑर्डिनरी शेयर ऑफ बी। ईच ऑर्डिनरी शेयर, सामने वाले के एक शेयर के बदले हम 2.5 दे रहे हैं। ऐसा कभी होता नहीं है कि आप खुद के ज्यादा शेयर दे रहे हैं, पर इस केस में है वैसा, ठीक है। ऑल ऑफ एंटिटी बी शेयर होल्डर्स एक्सचेंज देयर शेयर्स इन एंटिटी बी, देयरफॉर एंटिटी ए इशूड 150 ऑर्डिनरी शेयर्स इन एक्सचेंज फॉर 60 ऑर्डिनरी शेयर ऑफ बी। तो बी के 60 शेयर लिए आपने और उसके बदले अपने 150 ऑर्डिनरी शेयर दिए हैं। फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑफ बी आपको दिया हुआ है 40 और ए का दिया हुआ है 16। चलिए, फेयर वैल्यू ऑफ ए आइडेंटिफाइबल एसेट्स आपको दिए हुए हैं एक्सेप्ट नॉन करंट एसेट, जिसका फेयर वैल्यू 1500 है, बाकी उन्होंने कहा कैरिंग अमाउंट से सेम है। और फिर उन्होंने आपको दी हुई है बैलेंस शीट। ये वर्डिंग्स पहले दिए जाते थे, डोंट एक्सपेक्ट कि फ्यूचर में आपको ये वर्डिंग्स दिए रहेंगे, ठीक है। आपको खुद जज करना पड़ेगा कि रिवर्स एक्विजिशन है या नहीं है। अब यहां पे जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे दिखता है कि जो ए के शेयर्स है वो है 100 खुद के शेयर्स है 100 और वो इशू कर रहे हैं जो हमने पिछले लाइन में पढ़ा 150, यानी ओवरऑल हो जाएंगे 250। यानी अब अगर हम ये बोलें कि आपके पास खुद के पास 100 शेयर है और आप किसी को 150 शेयर अपनी कंपनी के इशू करके दे रहे हैं, ठीक है, तो 100 ऑफ 250 आपके पास 40% होल्डिंग हो गई और दूसरों के पास 60% होल्डिंग हो गई। बराबर बोल रहा हूं मैं, मतलब कोई और अब इस कंपनी का ओनर हो गया, आप नहीं रहे, आप इशू कर रहे हैं शेयर्स, आपके पास 40%, किसी और के पास 60%। अब किसी और के पास 60% चले गया, मतलब अब वो आपकी कंपनी को रन करेंगे। इसका मतलब आप सामने वाले को अक्वायर नहीं कर रहे हैं, वो आपको अक्वायर कर रहा है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, हमेशा जो शेयर इशू करता है ना वो अक्वायरर नहीं होता, कंट्रोल जिसके पास जाता है वो अक्वायरर होता है। यहां हमें दिख रहा है कंट्रोल बी के पास जा रहा है तो बी अक्वायरर है। इस पॉइंट को लेके किसी को भी कोई डाउट है तो बताइएगा। मैं पहले ही बोल रहा हूं, एग्जाम में डोंट एक्सपेक्ट कि ऊपर वो जो लीगल पैरेंट, अकाउंटिंग अक्वायरी, ये सब लिखा हुआ नहीं आएगा, ठीक है। ये पहले आता था, आपके मॉड्यूल में भी है, पर एग्जाम में एक्सपेक्ट मत कीजिए। अब इंस्टीट्यूट बोलेगा कि आप खुद डिसाइड करो कि क्या है ये केस, ठीक है। तो यहां पर कंट्रोल किसी और के पास चला गया, ये हमको बहुत क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। चलो, सो एंटिटी बी को हम बोलेंगे अक्वायरर और एंटिटी ए को हम बोलेंगे अक्वायरी। मतलब क्या, नाम किसका है बैलेंस शीट पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बी अक्वायरर है तो उनके सारे के सारे एसेट्स कैरिंग अमाउंट पे टेक ओवर होंगे और ए के सारे एसेट्स फेयर वैल्यू पे दिखेंगे, ठीक है। ये याद रखना है कि ए के सारे एसेट फेयर वैल्यू पे दिखेंगे और बी के सारे एसेट कैरिंग अमाउंट पे दिखेंगे, डजंट मैटर नाम किसका है, ये समझ गया होगा। तो
तो एग्जाम में करने से पहले एक बार चेक कर लेना है। हाँ यूशी, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, एग्जाम में चेक करते समय ये लाइन आपको हेल्प करेगी। चेक करते समय आप कभी भी खुद के शेयर्स कम देते हैं और सामने वाले के शेयर्स ज्यादा लेते हैं, रेशियो हमेशा रिवर्स होता है। अगर आप खुद के ज्यादा शेयर दे रहे हैं, वो पॉइंट है जब आपको चेक करना है कि क्या ये रिवर्स एक्विजिशन है, ये चेक तब किया जाएगा। ठीक है, सो दिस विल हेल्प यू। अगर आप खुद के ज्यादा शेयर दे रहे हैं तब हमेशा चेक कीजिए, खुद के कम दे रहे हैं तो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, तो यहां तक के हम लोगों को पहला पॉइंट क्लियर हो गया, हमें ये पता चल गया कि बी अक्वायरर और ए अक्वायरी पर। अब हमारा सवाल परचेज कंसिडरेशन पे आके अटक गया कि पीसी कैसे निकालेंगे। तो सिंपल कहानी है, अब पीसी आपको उल्टा पढ़ना है। यहां क्या लिखा है, ए ने 2.5 शेयर दिए हर एक शेयर के बदले, बी के एक शेयर के बदले, बराबर। मैं यहां पे डायग्राम बना देता हूं आप लोगों के लिए। गुड मॉर्निंग आकांक्षा जी, आपने बोला कि ए अपना 2.5 शेयर देगा बी को और बी बदले में अपना एक शेयर देगा, बराबर। अब इसी डायग्राम को उल्टा पढ़ लीजिए, बी अपने एक शेयर के बदले ए के 2.5 शेयर लेगा, रिवर्स पढ़ लीजिए, रिवर्स पढ़ लीजिए, समझ गए। बी अपना एक शेयर देगा ए के 2.5 शेयर्स के बदले, यानी ए के 100 शेयर्स 2.5 के बदले आप अपना एक शेयर देंगे, ऐसा पढ़ना है आपको। दिया क्या था, दिया था बी के 60 शेयर्स के बदले आप अपने 2.5 शेयर दे रहे हैं, आपको पढ़ना रिवर्स है, समझ गए। आई होप ये क्लियर होगा। हमें ए के, क्योंकि हमने बोला ए अक्वायरी, ए का शेयर कैपिटल उठा लिया हमने और ए के शेयर कैपिटल के बेसिस पे हम आंसर कर रहे हैं। ये हो गया कितना, क्या 40 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेयर वैल्यू ऑफ बी। यहां पे आप क्या कर रहे थे, यहां पे आप कर रहे थे 150 मल्टीप्लाइड बाय फेयर वैल्यू ऑफ ए। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ठीक है। हाँ, मैंने क्या कहा यूजी, आप कैसे पढ़ रहे थे भाई, ए ने 2.5 शेयर दिए बदले में एक शेयर लिया, ए ने 2.5 शेयर दिए बदले में एक शेयर लिया बी का, आप उल्टा पढ़िए ना उसे, बी ने एक शेयर दिया और 2.5 शेयर लिया, आप ऐसा पढ़िए, आप उल्टा पढ़िए उसको, बी ने अपना एक शेयर दिया आपके 2.5 शेयर के बदले, तो आपके 100 शेयर ए के, ए के कितने शेयर है 100, बराबर है। बी को भूल जाओ, ए के 100 शेयर है, ए के हर 2.5 शेयर के बदले अपना एक शेयर डिवाइडेड बाय 2.5 इनटू 1, बराबर है। आप एक्विजिशन में यही करते हैं ना, आप क्या करते हैं, आप सामने वाले को अपने शेयर देते हैं, आप निकाल लीजिए कितने देने चाहिए, अगर बी लेता तो कितने देता, मल्टीप्लाइड बाय फेयर वैल्यू ऑफ बी, फेयर वैल्यू ऑफ बी, ठीक है, फ्रॉम बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू, करेक्ट। तो 40 मल्टीप्लाइड बाय आपको फेयर वैल्यू ऑफ बी दिया हुआ है 40 बी के शेयर का, ये लेना है, ठीक है, 1600। अगर आप, मैं रेड पेन से दिखाता हूं, ये ले लोगे तो गलती हो जाएगी, 16 ले लोगे तो गलती हो जाएगी, दो पॉसिबिलिटीज है जो गलतियां हो सकती है, टेस्ट योर नॉलेज के सामने लिख देना, टू पॉसिबिलिटीज ऑफ मिस्टेक्स। पहला मिस्टेक, आप 150 मल्टीप्लाइड बाय 16 कर सकते हैं जो कि यहां का था, ठीक है। दूसरी मिस्टेक, 40 शेयर्स आपने सही निकाल दिया इंटू 16 कर सकते हैं, ये दो गलतियां पॉसिबल है, तो ये दोनों भी लिख देना वहां पे टेस्ट योर नॉलेज में क्वेश्चन नंबर 2 के सामने, पॉसिबिलिटीज ऑफ मिस्टेक करके, ठीक है। ये दोनों नहीं है, ये लेना है, ठीक है, बड़े आगे। आई होप सबको क्लियर होगा यहां तक के। चलो, अब हमें पीसी मिल गया, अब हम सामने वाले के नेट एसेट्स ले लेते हैं। वहां पे उन्होंने बोला फेयर वैल्यू ऑफ नॉन करेंट एसेट 1500 है, तो ये जो है इसकी फेयर वैल्यू 15, ये तो करंट एसेट्स है, सॉरी, ये जो है इसकी फेयर वैल्यू 1500 है, 1500, तो ये हम लोगों को कंसिडर करना है। चलो, इसके बेसिस पे हम लोग निकाल लेते हैं फटाफट हमारे नेट एसेट्स। तो ये हो गए 2000, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी तो उतनी की उतनी रहेगी 700, यानी 1300 के हमारे नेट एसेट्स हो जाते हैं। चलो, तो परचेज कंसिडरेशन 1600, नेट एसेट्स 1300, गुडविल। आई होप इट इज क्लियर। फटाफट बैलेंस शीट बना लेंगे। सबसे लास्ट जो सबसे मेन डाउट होता है स्टूडेंट्स को, वो हमेशा होता है सर इक्विटी में क्या लिखना है, इक्विटी को लेके ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। अभी अपन क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलो, अब मैं यहां पे जो भी लिखा हूं सब कुछ रब कर देता हूं एक बार का,
और मैं आपको यहीं पे पूरा का पूरा टोटल बना के बता देता हूं। तो करंट एसेट्स का टोटल आ जाएगा, नॉन करंट एसेट्स का टोटल आ जाएगा। एग्जाम में थोड़ा अच्छे से बनाना, ये तो मैं फिलहाल अभी शेड्यूल 3 फॉलो नहीं कर रहा हूं। फिर उसके बाद में करंट लायबिलिटीज का भी टोटल आ जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज का टोटल आ जाएगा दोनों का 2400। तो यहां तक अगर आप देखें तो 3300 नेट आपकी इक्विटी दिखना चाहिए, बराबर है। अब इक्विटी को कैसे प्रेजेंट करना है, इंस्टीट्यूट ने एकदम सिंपल तरीके से बताया है। इंस्टीट्यूट का कहना है आप एक काम कीजिए, आप ना इसकी इक्विटी ले लीजिए बी की, बी की इक्विटी है 1600, ठीक है। अब इसमें अभी आपने जो परचेज कंसिडरेशन दिया 1600 ये ऐड कर दीजिए, ये इक्विटी में सिंपली परचेज कंसिडरेशन ऐड कर दीजिए। इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में आंसर किया है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, तो अभी एक्चुअल अपन डिस्कस नहीं करेंगे, अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचेंगे। उन्होंने बोला इसमें आप परचेज कंसिडरेशन को ऐड कर दीजिए, तो इसमें अगर मैं परचेज कंसिडरेशन 1600 ऐड कर दूं तो ये हो गया 2200, ठीक है 2200। अब इसके अलावा यहां पर रिटेन्ड अर्निंग लिखना है किसका, बी का, बी का रिटेन्ड अर्निंग लिखना है। तो ये दोनों का टोटल मैच नहीं हुआ, यहां पे मैंने गुडविल नहीं लिखा था, मैं गुडविल लिख देता हूं 300, तो ये बराबर मैच हो जाएगा आपका 6000 3600। देख लीजिए 3600 आ गया। सर वो फेयर वैल्यू 40 क्यों लिया प्लीज एक बार बता दो, अक्वायरर हम बोल रहे हैं बी है तो बी के शेयर का फेयर वैल्यू लेंगे ना, अक्वायरर अगर बी है तो बी के शेयर का फेयर वैल्यू लिया जाएगा, बी के शेयर का फेयर वैल्यू 40 है, बराबर है। हम हमेशा फेयर वैल्यू किसका लेते हैं, अक्वायरर का, तो अक्वायरर तो बी है, समझ गए। आई होप ये बैलेंस शीट आपको जम गई। आपको क्या करना है, परचेज कंसिडरेशन को सिंपली शेयर कैपिटल में ऐड कर देना है, ये इंस्टीट्यूट बोलती है, इसीलिए परचेज कंसिडरेशन को शेयर कैपिटल में ऐड कर दीजिए। परचेज कंसिडरेशन 1600 था, शेयर कैपिटल 600 में ऐड कर दीजिए और रिटेन्ड अर्निंग अक्वायरर की लीजिए, अक्वायरी की नहीं, बी की लेना है ए की नहीं, ठीक है, बी की लेना है ए की नहीं। समझ में आ रहा है सब लोगों को, बताइए किसी को भी कोई कंफ्यूजन है क्या, ए का नहीं लेना है बी का परचेज कंसिडरेशन लेना है, बताइए बताइए समझ में आया क्या, क्लियर है क्या। इसके बाद एक ईपीएस है वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, ओके ओके। चलो बैलेंस शीट के ऊपर सर नाम किसका लिखना है, एग्जाम में तो पूरा सॉल्व करना है, बैलेंस शीट के ऊपर नाम रहेगा ए का कंसो स्टेटमेंट, ए ध्यान रखिए ए का नाम रहेगा क्योंकि बैलेंस शीट ए की बन रही है, लीगल अक्वायरर, लीगल यानी लॉ के फॉर्म से अक्वायरर ए है, बी नहीं है, तो इसलिए नाम ऊपर ए का लिखा जाएगा। बैलेंस शीट पूरी बनाने के बाद एंड में ऊपर नाम लिखना वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ऊपर जैसे ही नाम ए का लिखोगे ना आपके दिमाग में पता है क्या, वो कंफ्यूजन आना शुरू हो जाता है, अरे ए अक्वायरर है, ए के पॉइंट से बनाना है, फिर गड़बड़ होती है, ऐसा नहीं करने का कुछ भी, ठीक है। हाँ वी हैव टू थिंक ऐसे कि बी ने ही अक्वायर किया, हाँ बस आयुष जी यही बोल रहा हूं मैं, बी ने अक्वायर किया, आपको तो बस यही सोचना है और कुछ नहीं, ठीक है। अब हम आते हैं अर्निंग वाला पार्ट और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आई डोंट नो इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन में रखा पर जैन 21 के मॉड्यूल में से इसका आंसर गायब कर दिया, मतलब आंसर है ही नहीं इसका दिया हुआ, पता नहीं क्या हुआ, क्यों किया इंस्टीट्यूट ने, खैर पुरानी मॉड्यूल में तो आंसर गलत था, अभी अपन इसका आंसर एकदम अच्छे से समझते हैं। अज्यूम बीज अर्निंग फॉर एनुअल ईयर एंडिंग 31st मार्च 2001। अब एक्विजिशन की डेट पे ध्यान दीजिए, एक्विजिशन की डेट है 31st दिसंबर 2001, ठीक है, एक मिनट, 31st दिसंबर 2001 ही है ना, हाँ 31st दिसंबर 2001। अब 31st मार्च का उन्होंने बोला कि 600 है, कंसोलिडेटेड अर्निंग इस साल की, क्योंकि इसी साल टेकओवर हुआ है तो कंसोलिडेटेड अर्निंग 800 है, अपने को 800 से मतलब है, ठीक है 800 से अपने को मतलब है। अज्यूम नो चेंज इन नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ बी, आप बताइए उनका ईपीएस क्या होगा। ईपीएस के लिए हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। अब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैसे लिए जाएंगे, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स क्योंकि ईपीएस डिस्क्लोजर के लिए होता है,
आपको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स ए के पॉइंट से लेना है, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, ए के पॉइंट से लेना है। ईपीएस में सब्सटेंस ओवर फॉर्म नहीं लगता, ईपीएस इज डिस्क्लोजर, ईपीएस एक्चुअल शेयर्स की बात करेगा कि लोगों के पास एक्चुअल शेयर्स कौन से हैं। लोगों के पास ए के शेयर्स हैं, लोगों के पास बी के शेयर नहीं है। आप अकाउंटिंग करते समय नोशनल अकाउंटिंग कर रहे हो बी को दिमाग में रख के, पर लोगों को क्या मिला, लोगों को ए के शेयर मिले। बराबर बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है सब लोगों को, ए के शेयर मिले। तो ए के पहले 100 शेयर थे, ए ने और 150 शेयर इशू किए, बराबर। बताइए ये पॉइंट को लेके कंफ्यूजन हो सकता है थोड़ा सा, एक्सेप्टेबिलिटी आने को थोड़ा सा टाइम लगता है। लोगों के पास ए के शेयर थे, उनको और 150 ए के शेयर मिले। अक्वायरर हम बोल रहे हैं, नहीं नहीं बी है, बैलेंस शीट पूरी बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई, पर देखा जाए तो फिजिकल शेयर्स लोगों के पास जो है, लोग तो उसके बेसिस पे बोलेंगे ना, बताओ ये शेयर के बदले हमारा ईपीएस क्या है, हमारे पास तो ए का शेयर है, इसके बदले हमारा ईपीएस क्या है, हमको ये बताओ। तो हम वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब वहां पे भली नाम बी का लिखा है, हमको तो ए के पॉइंट से सोचना है, हमें बी के पॉइंट से सोचना ही नहीं है, ठीक है। बताइए कोई भी कंफ्यूजन होगा तो बताइए। तो यहां पे कैसे लिखेंगे, पहले तो वेटेड एवरेज शेयर्स लेंगे। ए के ऑलरेडी 100 शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे, 100 शेयर्स, एक्विजिशन आपने किया 31 दिसंबर 2001 को, ठीक है, और हमारे पास जो प्रॉफिट्स अवेलेबल है वो 31 मार्च 2002 के हैं, यानी उस दिन से 3 महीने बाद, जैन फेब मार्च 3 महीने बाद, बराबर। तो यहां पे ये शेयर्स पूरे 12 महीने आउटस्टैंडिंग, फिर आपने 150 शेयर इशू किए, ये 3 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग थे, जैन फेब मार्च 3 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग थे। ऐसे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे, ठीक है, 137.5। यहां इंस्टीट्यूट ने कुछ और लिया था, आई थिंक 6/12 या 9/12 लिया था, ऐसा कुछ तो भी लिया था इंस्टीट्यूट ने, ठीक है, तो वो गलत है। जिसके पास भी पुरानी मॉड्यूल है, इंस्टीट्यूट का वेटेड एवरेज गलत दिया हुआ है, पहली बता रहा हूं। तो 800 डिवाइडेड बाय 137.5 इज व्हाट यू विल डिस्क्लोज, 5.82, ठीक है। और प्रीवियस ईयर कंपेरेटिव्स के अंदर में जो प्रॉफिट डिस्क्लोज किया जाएगा वो ए का डिस्क्लोज किया जाएगा, बी का डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, क्योंकि लीगल फॉर्म में हम सब कुछ बता रहे हैं, ठीक है, हम सब्सटेंशियल फॉर्म में कुछ नहीं बता रहे। बताइए ये पूरा क्वेश्चन सबको क्लियर है क्या, रिवर्स एक्विजिशन, बोलिए जम जाएगा क्या एग्जाम में? जम जाएगा तो अपन चेन होल्डिंग शुरू करते हैं। कोई और डाउट है इस चीज को लेके तो अपन वो भी डिस्कस करने के लिए तैयार है, बता दीजिएगा। आ गया, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो नाउ मूविंग अहेड टू चेन होल्डिंग, मैं एग्जाम पेपर नवंबर 18 पे हूं, ठीक है, जिसमें चेन होल्डिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। इंस्टीट्यूट मॉड्यूल से भी कर सकते हैं, बात एक ही है, पर मैं चाहता हूं कि इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल का एक क्वेश्चन जैसे मैंने करा दिया, तो चेन होल्डिंग का एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लीजिए, इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल वाला आप लोग सेल्फ ट्राई करके देखना। तो मैं एग्जाम वाला क्वेश्चन आप लोगों को बता दे रहा हूं, पूरा सेम है, थोड़े बहुत वैल्यूज अलग अलग है, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन एक जैसा ही है, ठीक है। तो एक बार खुद ट्राई करना चेन होल्डिंग, क्योंकि चेन होल्डिंग में एक थोड़ा सा कंसेप्ट होता है जहां पे थोड़ा सा स्टूडेंट पता है कि एग्जाम के पहले भूल सकता है, इसीलिए बेटर दैट यू प्रैक्टिस इट। चलिए समझते हैं, प्रिपेयर कंसोर्ट स्टेटमेंट 31 मार्च 2018 ऑफ ग्रुप कंपनीज उषा निशा संध्या, समराइज बैलेंस शीट इज गिवन बिलो। तो आपको नीचे बैलेंस शीट दी हुई है, पहले मैं निशा और संध्या के शेयर कैपिटल की बात कर देता हूं। मुझे दिख रहा है यहां पे 20 नंबर ऑफ शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स 10 पर शेयर के बेसिस पे, और यहां पे 16 है, ठीक है। आपने 20 में से 16 लाख शेयर्स खरीद के रखे हैं, उषा ने निशा में 16 लाख शेयर्स खरीद के रखे हैं, बताइए कितना परसेंटेज होल्डिंग हुआ। उषा ने निशा में 16 लाख शेयर्स खरीद के रखे हैं, बताइए मुझे कितना परसेंटेज होल्डिंग हो रहा है। बोलो बोलो, प्लीज अटेम्प्ट कीजिए साथ साथ में। सिर्फ वीडियो देखने से आप लोगों को कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हाँ यार मैं सिर्फ वीडियो देख लूंगा समझ लूंगा, मेरे साथ कैलकुलेशंस कीजिए, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेशन एरर ही होते हैं, ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, एनसीआई नहीं पूछ रहा हूँ, आपका परसेंटेज होल्डिंग क्या है वो पूछ रहा हूँ, ठीक है, आपका परसेंटेज होल्डिंग पूछ रहा हूँ मैं। 20 लाख में से आपने 16 लाख शेयर्स खरीदे हैं, आपका परसेंटेज होल्डिंग कितना हुआ? तो
देखो ये हो गया 80%, 16 लाख आउट ऑफ 20 लाख शेयर्स, समझ में आया, 16 लाख आउट ऑफ 20 लाख शेयर्स, 20 लाख में से 16 लाख आपने खरीदा, आपका परसेंटेज होल्डिंग 80% हो गया। और यहां देखो, यहां पे जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट निशा लिमिटेड ने किया, ठीक है, निशा लिमिटेड ने संध्या लिमिटेड में, ध्यान दीजिए, निशा लिमिटेड ने संध्या लिमिटेड में, ठीक है। आकांक्षा जी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ हो रही है। अच्छा अच्छा आपने दोनों बता दिया, ओके आकांक्षा जी, तो दिस इज 12 लाख आउट ऑफ 16 लाख, 12 आउट ऑफ 16, वेरी गुड आकांक्षा जी, 75% होल्डिंग, ठीक है, 75% होल्डिंग। चलिए अब मैं इसको जरा यहां पे लिख देता हूं, उषा लिमिटेड ने निशा लिमिटेड में 80% इन्वेस्टमेंट किया है, निशा लिमिटेड ने संध्या लिमिटेड में 75% होल्डिंग इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। अब संध्या लिमिटेड जो भी प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है, संध्या लिमिटेड से जो भी प्रॉफिट आने वाला है, वो प्रॉफिट जैसे सपोज करो 100 रुपए का हुआ, तो उसमें से 100 रुपए में से 75 रुपीज निशा लिमिटेड के हुए और 25 रुपीज एनसीआई के हुए, बराबर बोल रहा हूं, बराबर बोल रहा हूं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि अगर निशा संध्या लिमिटेड ने 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो उसमें से 75 का प्रॉफिट निशा लिमिटेड का और 25 रुपीज का प्रॉफिट एनसीआई का, बराबर। अब क्या ये 75 रुपीज पूरा उषा लिमिटेड को मिलेगा, क्या ये 75 रुपीज में पूरा का पूरा हक उषा लिमिटेड का है? देखा जाए तो नहीं, उषा लिमिटेड का हक 80% है, 80% है, यानी 60, वेरी गुड निकेत जी, 60, और जो बचा हुआ 15 है वो किसका है, वो एनसीआई का है। यानी रफली अगर मैं संध्या लिमिटेड के 100 रुपए की प्रॉफिट की बात करूं, तो 100 में से अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी, अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी उषा को 60 मिलने वाला है, और बचा हुआ 40 एनसीआई ले जाएंगे, वो एनसीआई किसी के भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, वो किसी के भी एनसीआई हो ना, हाउ डज इट मैटर, वो किसी के भी एनसीआई हो, आपको तो अल्टीमेटली 60 मिलेगा, 40 एनसीआई लेके चला जाएगा। तो ये कैलकुलेशन सबसे पहला बेस होता है चेन होल्डिंग का, कि उषा लिमिटेड का संध्या लिमिटेड में अधिकार 60% है। हमें सब कुछ उषा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, आपकी सब्सिडियरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, सिंपल, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, संध्या लिमिटेड के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो नाउ उषा लिमिटेड का, निशा लिमिटेड का कंसोलिडेशन 75% करेंगे और संध्या लिमिटेड का कंसोलिडेशन 60% करेंगे। ये पहला बेस कैलकुलेशन है जो एकदम अच्छे से आना चाहिए, ये स्टूडेंट्स कर लेते हैं। इसके बाद कंफ्यूजन शुरू होता है जब हम लोग परचेज कंसिडरेशन निकालते हैं, वहां पे थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है, समझेंगे अभी अपन उसको। चलो यहां करंट एसेट्स वगैरह सब दिए हुए हैं। उषा लिमिटेड होल्ड्स 80% शेयर्स इन निशा लिमिटेड एंड 75% इन संध्या लिमिटेड। ये पूरी शेयर होल्डिंग 30th सितंबर 2017 को ली गई, बैलेंस शीट आपको दी हुई है 31st मार्च 18 की, यानी 6 months, ठीक है। करंट ईयर के प्रॉफिट के दो टुकड़े करने पड़ेंगे। बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी आर नॉट सीजनल इन नेचर एंड देयरफॉर इट कैन बी अज्यूम दैट प्रॉफिट इज अर्न इवनली थ्रू आउट द ईयर। पूरा का पूरा प्रॉफिट इवनली अर्न हुआ है। 1st April 17 आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है इन द बुक्स ऑफ निशा लिमिटेड एंड संध्या लिमिटेड, ठीक है। तो हमें अभी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स की जरूरत है पहले, तो ये तो पूरे के पूरे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स है ही, तो हमें पहले एक्विजिशन डेट प्रॉफिट्स निकालना है, ठीक है। एक्विजिशन डेट पे आपके नेट एसेट्स किसके, निशा और संध्या, तो ये निकालने का एक ही तरीका है, शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग। हमेशा हम एसेट माइनस लाइबिलिटी से नहीं चलते हैं, शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग से चलते हैं। तो पहले मैं उन दोनों का शेयर कैपिटल लिख देता हूं, वो आपको दिया हुआ है 200 और 160, बराबर। जहां भी आपको लगा कि सर स्पीड ज्यादा है, स्पीड कम कर दीजिए, मैं स्पीड कम कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिजर्व्स दिए हुए हैं 40-30, ठीक है, और रिटेन अर्निंग दिया है 10 और 15। तो ये तो दोनों दिए थे 1st April 17 के, अपने को 1st अप्रैल से लेके 30th सितंबर तक के भी प्रॉफिट्स लगेंगे, ठीक है। अब उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। 5 लाख इंक्लूडेड इन इन्वेंटरी फिगर ऑफ निशा लिमिटेड इज इन्वेंटरी विच हैज बीन परचेज फ्रॉम संध्या लिमिटेड एट कॉस्ट प्लस 25%। ये पोस्ट एडजस्टमेंट है क्योंकि ये 31st मार्च 18 की बात हो रही है,
कि उसने गुड्स खरीदे थे, वो गुड्स में प्रॉफिट इंक्लूडेड था, ये एडजस्टमेंट बाद में देखेंगे, इसके ऊपर अभी दिमाग नहीं लगाना है, तो इग्नोर कीजिए इस पॉइंट को। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी कि क्या हो गया। निशा ने संध्या से गुड्स खरीदे थे, हाँ निशा ने संध्या से गुड्स खरीदे थे जिसमें प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूडेड है, ये ईयर एंड एडजस्टमेंट है, तो वी नीड टू इग्नोर दिस पॉइंट कंप्लीटली, इसके ऊपर अभी दिमाग नहीं लगाना है। पेरेंट हैज अडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ मेजरिंग नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट फेयर वैल्यू कोटेड मार्केट प्राइस पे एज पर इंड एस 103। आपको अज्यूम करना है इनका प्राइस इनके फेस वैल्यू ही है, फेस वैल्यू इन लोगों का फेयर मार्केट वैल्यू यानी कि 10 रुपए। बाद में देखते हैं अब उस पॉइंट को। कैपिटल प्रॉफिट प्रेफरेबली टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अब हमें चाहिए कि करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है, चलिए आइए देखते हैं। ये 40, 10, 30, 15 में वहां पर लिख देता हूं, 40, 10, 30, 15। पहले बात कीजिए निशा लिमिटेड के करंट ईयर के रिजर्व इंक्रीज इन प्रॉफिट की, इंक्रीज इन प्रॉफिट की, कितने से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है करंट ईयर में निशा लिमिटेड का, करंट ईयर में निशा लिमिटेड का प्रॉफिट कितने से इंक्रीज हुआ है बताइए मुझे, बताइए, ट्राई कीजिए आप लोग। निशा लिमिटेड का करंट ईयर का प्रॉफिट निकालिए और उसके बाद संध्या लिमिटेड, मुझे दोनों के प्रॉफिट बताना है आपको। निशा के कितना प्रॉफिट इंक्रीज है करंट ईयर, 15 प्लस 10, वेरी गुड निकित जी, 25। दोनों का ही 25 है मेरे हिसाब से, ठीक है, वेरी गुड। इन दोनों का इंक्रीज हमें 25 दिख रहा है, इन दोनों का भी इंक्रीज हम लोगों को 25 दिख रहा है, यानी हम बोल सकते हैं कि ये करंट ईयर का प्रॉफिट है हमारा, ठीक है। चल तो अब हमें क्या करना है, हमें यहां लिखना है प्रॉफिट 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, इतने से आपके नेट एसेट्स और बढ़ गए, कोई फेयर वैल्यू इंक्रीज है नहीं इसके अलावा, तो ये हो गए आपके नेट एसेट्स, ठीक है, 275, 230 परचेज कंसिडरेशन। निशा लिमिटेड को परचेज करने के लिए आपने दिए 170, निशा लिमिटेड को परचेज करने के लिए कितना पैसा दिया, बैलेंस शीट से निकालना है, ध्यान रखिए बहुत बार फिगर्स आपको पॉइंट्स में नहीं दिए रहते तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है सर पीसी कहां से निकालना है, बैलेंस शीट से निकालना है, जितना आपने इन्वेस्ट किया वो आपका पीसी है। 170 हाफ आएगा, अरे हाँ निकित जी बराबर हाफ आएगा, मैं भूल गया, मेरी गलती है 12.5, 12.5, सो 250, 260, 2.5, 190, 205, 217.5, करेक्ट करेक्ट। तो परचेज कंसिडरेशन हो गया 170, संध्या लिमिटेड पे ध्यान दीजिए, संध्या लिमिटेड का परचेज कंसिडरेशन 140 दिया है, पर 140 में हम उषा लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, 140 में उषा लिमिटेड का क्या पूरा पूरा अधिकार है, क्या 140 के इन्वेस्टमेंट्स में उषा लिमिटेड का पूरा पूरा अधिकार है कि वो बोल दे हां हमने परचेज कंसिडरेशन 140 दिया है, क्या पूरा 140 उषा लिमिटेड के जेब से, क्या निशा लिमिटेड के बुक्स में इन्वेस्टमेंट्स दिख रहे हैं इन संध्या लिमिटेड, बराबर है ना, बैलेंस शीट के ऊपर फेस पे देखिए, निशा लिमिटेड के बुक्स में आपके इन्वेस्टमेंट्स दिख रहा है इन संध्या लिमिटेड, बराबर, वो बोल रहे हैं कि हमने 140 का इन्वेस्टमेंट किया है, क्या पूरा 140 उषा लिमिटेड के जेब से गया है, तो किरण जी का कहना है नहीं, आयुष जी का कहना है 112, और किसी का और कुछ कहना आता है कि हाँ सर 112 आना चाहिए, बताइए बताइए कितना आना चाहिए, मैं 2-3 ऑप्शन देता हूं, चलो 140 पूरा, 140 का 80%, 140 का 75%, 140 का 60%, इतने ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, बताइए आप लोगों को कैसे ही लगता है, 112 निकित जी आयुष जी दोनों का कहना 112 है, बाकी लोग आंसर नहीं कर रहे, क्यों, कोशिश तो कीजिए ना, हम कंसेप्ट ही तो समझ रहे हैं यहां पे बैठ के, ट्राई तो कीजिए। पंकज जी का भी कहना है 112, तो सभी लोग ये बात मानते हैं कि ये है बराबर, यहां पे मैं बोल रहा हूं ना आपसे एग्जाम में जो गलती होती है वो ये वाली गलती होती है, यहां पे हम लोग 140 का 60% ले लेते हैं, ये गलती बहुत बार होती है, ये नहीं करना है, ये अवॉइड करना है, ये ध्यान में रखना है,
ठीक है, चलो बढ़िया, तो 112 आना चाहिए, 112, वेरी गुड वेरी गुड, 112। अब आता है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का मेजरमेंट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को फेयर वैल्यू पे मेजर करना है ऐसा उन्होंने बोला है, तो फेयर वैल्यू तो फेस वैल्यू ही है, फेयर वैल्यू इज नथिंग बट फेस वैल्यू, तो क्या ले, ये देखो यही तो पूरी की पूरी फेस वैल्यू है जो यहां पे दी हुई है आपको, आपको ये जो दिया हुआ है यही फेस वैल्यू है, तो यहां तो 200 का 20% 40, इसमें तो कोई इशू नहीं है, इसमें तो कोई इशू नहीं है, इशू यहां है, यहां कितना लूं, 25% या 40%। जितने कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं उनको कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूं, जितने कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं उनको कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूं, बताइए मुझे क्या सही लगता है आपको। आयु जी का कहना है 64, किरण जी का कहना है सर 40% लेना चाहिए, आयु जी का भी सेम ही है 40% लेना चाहिए, निकेत जी का भी यही कहना है कि 40% लेना चाहिए, ठीक है। बफर हो रहा है क्या, ओके नो बफरिंग, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बढ़िया कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू करते हैं फिर। तो यस 40% लेना चाहिए, मैं इंस्टीट्यूट के आंसर से सहमत नहीं हूं, पर मेरा सहमत रहना मैटर नहीं करता, इसीलिए मैं उसका कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं दूंगा, बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है उससे। 40% 64, ठीक है चलो बढ़िया। तो अपन तैयार है पूरा का पूरा गुडविल निकालने के लिए सर, बैलेंस शीट टैली करने के लिए। देखिए इस पूरी कहानी में ना चेन होल्डिंग में आपको तीन पॉइंट याद रखना है। पॉइंट नंबर वन, वो जो ये वाला कैलकुलेशन, ये हो गया पॉइंट नंबर वन जो आपको याद रखना है, ठीक है। पॉइंट नंबर टू, ये वाला कैलकुलेशन, ठीक है। थोड़ी देर बाद पॉइंट नंबर थ्री बताऊंगा, जब हम एनसीआई बनाएंगे ना तब पॉइंट नंबर थ्री बताऊंगा। टोटल तीन पॉइंट याद रखना, अगर तीन पॉइंट याद है तो चेन होल्डिंग आप लोग बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो तो यहां तक के हमारा टोटल आ रहा है 210 और यहां हमारा टोटल आ रहा है 112 प्लस 64 176, ऐसे दो फिगर्स हमारे सामने आ रहे हैं, ठीक है। देखिए यहां पे मैंने उल्टा लिख दिया है, हमेशा हम लोग पीसी प्लस एनसीआई ऊपर लिखते हैं और नेट एसेट्स नीचे लिखते हैं, कैलकुलेशन वैसा ही करना, मैं वापस से नीचे लिख दे रहा हूं नेट एसेट्स 262.5 217.5। तो दोनों ही केस में हमें बार्गेन परचेस आ रहा है, मुझे फटाफट बार्गेन परचेस का कैलकुलेशन करके बता दीजिए आप लोग, फटाफट कैलकुलेशन करके बता दीजिए कितना आ रहा है आपका बार्गेन परचेस। निशा 41.5, संध्या ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टोटल 94 का हमारा आ रहा है कैपिटल रिजर्व, ठीक है वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं हमारा कंसो पीएनएल, यानी कि एक्विजिशन के बाद बचे हुए 6 महीने का पीएल जो हमारी बैलेंस शीट में दिखने वाला है, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम बनाएंगे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, निशा और संध्या दोनों का। तो पहले तो अपन एक्विजिशन डेट की वैल्यूज लिख देते हैं उनकी, 40 और 64। चलिए कंसो पीएल में पहले मैं उषा लिमिटेड के रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग हमको दिए, दोनों को हम लोग अलग अलग लिखेंगे, दोनों को अलग अलग लिखना है ये ध्यान में रखना है। अच्छा कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया तो प्लीज बोल देना मुझे कि सर ये वाला पॉइंट नहीं समझा, अपन और डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एग्जाम में आप लोगों को सॉल्व करना है, मुझे नहीं करना है, तो समझ में आना चाहिए। आप लोगों को आंसर आ रहा है क्या, क्योंकि मेरे इसमें तो वीडियो ही नहीं चल रहा है, आप लोगों के इसमें वीडियो चल रहा है क्या, मुझे प्लीज चैट में बताइए वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि मेरे इसमें तो दिख ही नहीं रहा है वीडियो। चल रहा है, चलो ठीक है, ओके मेरे पास आपके चैट आ रहे हैं पर मुझे मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं मैं कंटिन्यू करता हूं।
ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूं फिलहाल। तो जैसा कि हम लोगों को यहां पे दिख रहा है कि जो उषा लिमिटेड है, उषा लिमिटेड के प्रॉफिट्स हम लोग बैलेंस शीट से ले लेंगे, रिटेन रनिंग वगैरह 90 और 80। और अब हमें निशा लिमिटेड और संध्या लिमिटेड के प्रॉफिट्स की बात करनी है। जैसा कि आप लोगों ने निकाला था, आई थिंक रिजर्व्स 10 से बड़े थे और रिटेन अर्निंग 15 से बड़ी थी, ऐसे टोटल 25 आया था। दोनों को अलग अलग लेना, रिजर्व जितने से बड़ा उसका एडजस्टमेंट रिजर्व में होगा, रिटेन अर्निंग जितने से बड़ा उसका एडजस्टमेंट रिटेन अर्निंग में होगा, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 10 और 15 ऐसे दो फिगर्स है, 10 और 15। तो 10 का निशा लिमिटेड के केस में 80% और संध्या लिमिटेड के केस में 60%, 8 और 6। वैसे ही 15 का 12 और 9, बराबर। चलो अब यहां पे आता है आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। मैंने एक पॉइंट आप लोगों को बोला था, हम बाद में देखेंगे। 5 लाख इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री ऑफ निशा लिमिटेड, 5 लाख इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री ऑफ निशा लिमिटेड इज इन्वेंट्री विच वर परचेज एट कॉस्ट प्लस 25%। तो 5 लाख रुपए में प्रॉफिट इंक्लूडेड है या अब हमें 5 लाख पे प्रॉफिट निकालना है, पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए, 5 लाख में प्रॉफिट इंक्लूडेड है या 5 लाख में प्रॉफिट निकालना है, बताइए मुझे जरा सा। इज दिस 5 प्लस 25% और 5 includes the profit of 25%? इंक्लूडेड है तो बताइए कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है, कैसे निकालेंगे? 5 divided by 0.75 into 0.25 करूं या डिवाइडेड बाय 1.25 into 0.25 करूं? 1 लाख का प्रॉफिट इंक्लूडेड है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यस 1 लाख का प्रॉफिट इंक्लूडेड है। अब ये जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक है, ये 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट हम लोगों को स्टॉक में से कम करना है, इन्वेंट्री 1 लाख से कम हो जाएगी। ठीक है, इन्वेंट्री की वैल्यू को 1 लाख रुपए से कम कर देंगे, पहला एडजस्टमेंट। दूसरा एडजस्टमेंट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का पूरा प्रॉफिट कंसो पीएल से कम करूं या कुछ कंसो पीएल से और कुछ एनसीआई से? कुछ कंसो पीएल से और कुछ एनसीआई से, बताइएगा मुझे। ठीक है, बहुत बढ़िया, 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट है, सब लोगों ने एकदम सही निकाला है 1 लाख रुपीज। पर 1 लाख रुपीज पूरा यहां से माइनस कर दूं क्या, या यहां से कुछ करेंगे और एनसीआई से कुछ करेंगे? मैं तब तक के एनसीआई का शेयर निकाल देता हूं, बाकी का 2, 4, 3, 6 पीएल और एनसीआई दोनों में जाएगा, ऐसा निखित जी का कहना है। ठीक है, चलो कितना कितना करें, 60-40, बस 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 यही चाहिए था, 60-40। यहां से 0.6 कम होगा और यहां से 0.4 कम होगा, ये जरूरी है। 80-20 नहीं, 75-25 नहीं, ये जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि 3 एडजस्टमेंट है जो चैन होल्डिंग में आना चाहिए। पहला मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा बताया चार्ट, कि आपको यह पता होना चाहिए कि उषा का अल्टीमेट शेयर 60% है। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया, ये एक्विजिशन डेट के अंदर में हम लोगों को परचेज कंसिडरेशन में से कम करना है एनसीआई का शेयर, बराबर है, और पीसी एनसीआई का जो भी है वो अलग से निकालना है। तीसरा एडजस्टमेंट, आपने कहा कि सर ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये 140, इसमें से उषा लिमिटेड का अधिकार 112 है, तो जो बचा हुआ 28 है वो कहां गया? बचा हुआ 28 अगर कहीं लिखेंगे नहीं तो बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। बैलेंस शीट टैली होने के लिए बचा हुआ 28 लिखना तो पड़ेगा ना। तो आप समझिए, एनसीआई को संध्या लिमिटेड में 15% एक्स्ट्रा शेयर मिल रहा है, बराबर है। वो एक्स्ट्रा शेयर क्यों मिल रहा है? उस 28 के बदले। तो आपने अपने इन राइट्स में से 28 फर्गो किया, निशा लिमिटेड के राइट्स में से 28 फर्गो किया टू अर्न दैट 15% एक्स्ट्रा इन संध्या। फर्गो किया ना, दिया आपने 28, तब जाके संध्या में 15% एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, यही लॉजिक है। इसीलिए
इन्वेस्टमेंट इन संध्या का 28 यहां पे रिड्यूस होगा। देखो हुआ क्या, अपन एनसीआई के राइट्स की बात करते हैं, निशा संध्या, निशा में एनसीआई के राइट 20% थे, यहां 25% थे। फ्लैट रीडिंग से तो यही पता चला, फ्लैट रीडिंग से ये पता चला कि निशा लिमिटेड के 80% शेयर उषा के पास है, यानी 20% एनसीआई, संध्या लिमिटेड के 75% शेयर निशा के पास है, 75% बराबर है, और 25% इसका मतलब एनसीआई है, बराबर है। निशा लिमिटेड के पास संध्या लिमिटेड के 75% शेयर थे, तब जाके संध्या का 25% एनसीआई किसी और को मिला। ये वाले जो एनसीआई होल्डर्स थे इनको अपन बोल देते हैं एनसीआई 1 और इनको अपन बोल देते हैं एनसीआई 2। ये एनसीआई 1 वाले शेयर होल्डर्स को संध्या लिमिटेड के प्रॉफिट में अधिकार मिला ना, एनसीआई 1 के जो शेयर होल्डर थे उनको भी तो संध्या के प्रॉफिट्स में अधिकार मिला। देखो संध्या ने प्रॉफिट कमाया 100, तो उसमें से 75 मिला निशा को, बराबर है। अब निशा ने क्या किया, निशा ने ये 75 में से 60 का प्रॉफिट उषा को ट्रांसफर किया और 15 का प्रॉफिट एनसीआई 1 को ट्रांसफर किया। ये 15 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए व्हाट हैज एनसीआई 1 फॉरगॉन, उन्होंने इन्वेस्ट क्या किया, एनसीआई 1 ने इन्वेस्ट क्या किया, एनसीआई 1 ने यही इन्वेस्टमेंट तो किया है। ये जो 140 है इसमें से 112 हम बोल रहे हैं कि उषा लिमिटेड इन्वेस्ट कर रही है, तो बचा हुआ 28 कौन इन्वेस्ट कर रहा है, एनसीआई तो इन्वेस्ट कर रहा है। तो एनसीआई ने दिए कितने, 28, वो 28 के कारण उनको ये 15% एक्स्ट्रा अधिकार मिल गए, किसमें, संध्या लिमिटेड में। इसीलिए तो आप संध्या लिमिटेड को 40% बोल रहे हैं ना, संध्या लिमिटेड में एनसीआई 40% है, वो एक्स्ट्रा 15% आया कहां से, इस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आया, बताइए समझ में आया क्या सबको, बताइए क्लियर है क्या। ये है पॉइंट नंबर 3 डेट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये था पॉइंट नंबर 2 डेट वॉज इंपॉर्टेंट, और ये था पॉइंट नंबर 1 डेट वॉज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपने निकाला था 80 × 75% से 60%, ठीक है। यहां पे आप क्या कर रहे हैं, यहां पे आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट सब्सिडी परसेंटेज होल्डिंग ले रहे हैं, फर्स्ट सब्सिडी परसेंटेज होल्डिंग 80%, पहली सब्सिडी आपकी निशा है, दूसरी सब्सिडी आपकी संध्या है, फर्स्ट सब्सिडी परसेंटेज होल्डिंग, ठीक है। यहां पे आप क्या कर रहे हैं, यहां पे आप शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस परसेंटेज होल्डिंग ले रहे हैं सेकेंड सब्सिडी की, सेकेंड सब्सिडी में ग्रॉस परसेंटेज होल्डिंग 40% आपका ग्रॉस होल्डिंग है, ऐसे लिया आपने। गुडविल निकालते टाइम नहीं कर सकते इसका एडजस्टमेंट, नहीं 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 नहीं, नहीं आयोजी गुडविल निकालते समय नहीं है, गुडविल तो निकल रहा है उषा के पॉइंट ऑफ व्यू से, गुडविल एनसीआई के पॉइंट से निकल ही नहीं रहा, एनसीआई का कहेगा गुडविल, एनसीआई कहां से गुडविल कमा लेगी, एनसीआई को एक्स्ट्रा क्या मिल जाएगा इन्वेस्ट करके, उनका तो कंट्रोल ही नहीं है, गुडविल निकलता है उषा के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए एडजस्टमेंट ऊपर नहीं होता है, ये एडजस्टमेंट नीचे होता है कि एनसीआई बोलता है कि देखो ये हमारे अधिकार है, ये हमारा हिस्सा है उस कंपनी में, पर इस हिस्से में से हम 28 फॉरगो कर रहे हैं, क्यों फॉरगो कर रहे हैं, ये कमाने के लिए, ये कमाने के लिए, एक्चुअली ये भी पूरा नहीं, सिर्फ इसमें से 15%, इस बार 15% राइट, ठीक है, ये कमाने के लिए हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। स्टेप टू में एक साथ ये और ये एक साथ लिखा करो, आदत डाल दो कि ये दोनों एक साथ लिखना है ताकि गलती ना हो एग्जाम में। हमने 140 का इन्वेस्टमेंट किया, ऊपर पीसी में 112 लिख दिया और नीचे एनसीआई से 28 माइनस करता हुआ लिख दिया, ये दोनों अगर साथ में लिखेंगे तो एकदम सही एडजस्टमेंट हो जाएगा, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, बताइए। चलिए, तो मैंने आपको तीनों स्टेप बताए, बस ये तीन स्टेप याद रखिए, ये तीन स्टेप याद रहेंगे तो चेन होल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। 40 + 2 + 3 − 28 = 17,
तो अब अपन बैलेंस शीट बनाने के लिए एकदम तैयार है। अपने जितने भी फिगर्स थे वो सारे के सारे फिगर्स रेडी हो गए, ठीक है। अभी भी किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, एग्जाम में अटेम्प्ट आपको करना है, इसीलिए बार 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 इस बात के ऊपर स्ट्रेस कर रहा हूं, ठीक है। चलो तो अब अपन बैलेंस शीट बनाने के लिए एकदम तैयार है। तो बैलेंस शीट में अब क्या करना है, पहले अपन नीचे से एसेट्स ले लेते हैं। किसी भी एसेट का कोई वैल्यू चेंज नहीं हुआ है तो सिंपली तीनों एसेट्स को ऐड करना है, 160, 180, 150 यानी 490। नॉन करंट एसेट्स 490। इन्वेस्टमेंट्स हमको लेना नहीं है, कैश इन हैंड। मैं इन्वेंट्री से शुरू करता हूं, 110 प्लस 35 प्लस 25 170, इसमें से माइनस कर देंगे 169 हो गया आपका अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस हो गया। ट्रेड रिसीवेबल 130 प्लस 50 प्लस 110 290, ठीक है। एक मिनट रुकिए, मैंने ना प्रॉफिट में एक गड़बड़ की है। एक मिनट रुकिए। प्रॉफिट में ना मैंने पूरा 25 का स्प्लिट कर दिया जबकि 12.5 का स्प्लिट करना था। ये फिगर्स थोड़े से चेंज होंगे, ये थोड़ी सी एक वो 6 महीने का प्रॉफिट लेना था, वहां पे मैंने गलती कर दी है। 6 महीने का प्रॉफिट 10 नहीं 5 का लेना था, 6 मंथली प्रॉफिट लेना था। तो 5 का 80% 4 और 5 का 60% 3, वैसे ही 7.5 का 80% 6 और 7.5 का 60% 4.5, ठीक है। ये 6 मंथली प्रॉफिट्स लेने थे हमको, 97 89.9। वैसे यहां पे भी बचा हुआ प्रॉफिट आना था, वन टू सिक्स 1.5 और 3 बराबर है ना, 15 3। दोनों मिला के 83.1। तो थोड़ा सा एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, वो कैलकुलेशन मिस्टेक हमने चेंज कर दिया, 6 मंथली था इसलिए। ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया हमारा, बिल रिसीवेबल 36 और 15। जनरली बिल रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल साथ में लिखे जाते हैं शेड्यूल 3 के हिसाब से, ठीक है। मैं यहां पे फिलहाल अलग अलग लिख रहा हूं, कैश 114, 20 और 20 सब मिला के 154। गुडविल तो आई थिंक आया नहीं था, कुछ कैपिटल रिजर्व था तो इतनी एसेट्स है हमारे पास। शेयर कैपिटल सिर्फ होल्डिंग का आएगा 300, ठीक है। रिजर्व्स मैं सारे के सारे एक साथ यानी अलग अलग लिख रहा हूं, आप एग्जाम में इसका शेड्यूल बनाएंगे। जैसे रिजर्व 97 है, 97 बराबर, वैसे ही रिटेन अर्निंग 89.9 और कैपिटल रिजर्व, आप इन तीनों को एक साथ दिखाएंगे एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, 94। इसके बाद नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ये हमने अभी निकाला था, 83.1, ठीक है। ओके, ट्रेड पेबल 235, 115, 90, 440। फिर बिल पेबल अगर आप देखेंगे तो इंटर कंपनी एडजस्टमेंट है, हमको ये दिख रहा है, दोनों मिला के 50 50। तो मैंने एक्चुअली ऊपर से 50 माइनस कर देना चाहिए, ये जो 51 है इसकी जगह पे 1 लिख देना चाहिए, इंटर कंपनी एडजस्टमेंट है इसीलिए वहां पे 1 आ जाएगा। चलो तो इसके साथ अपने सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, मेरे हिसाब से कोई एडजस्टमेंट रह नहीं जाता, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूं। हां चलिए आइए आंसर ले लेते हैं।
सर वो 28 जो एनसीआई से माइनस करा है वो एक बार और समझाइए, वो थोड़ा समझ नहीं बैठ रहा। हाँ रुक जाइए आयुष जी, मैं पहले बैलेंस शीट का टोटल ले लेता हूँ, क्या पता आज बैलेंस शीट का टोटल ना मैच हो। हो गया हो गया, टैली हो गया। इस बार के आप लोगों की बैच मेरी बहुत अच्छी चल रही है, किस्मत अच्छी चल रही है मेरी की मेरी बैलेंस शीट टैली होते जा रही है। चलिए समझिए, कंपनी का नाम है निशा, निशा में 20% अधिकार नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के हैं। तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का ये कहना है कि भाई ये जो भी यहां पे एसेट्स दिख रहे हैं, कहां पे मैं रिजर्व्स पे लेके जाता हूं आपको, ये जो भी आपके एसेट्स दिख रहे हैं 250 और 25 275, ये 275 में 20% राइट्स हमारे हैं, बराबर है 55, बराबर बोल रहा हूं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वैसे ही संध्या लिमिटेड, इसको अपन बोलते हैं एनसीआई 1, संध्या लिमिटेड में 25% अधिकार है एनसीआई 2 के। तो उनका ये कहना है कि भाई यहां पे ये जितने भी एसेट्स हैं 160, 40 और 30, इनका 25% राइट हमारा है 57.5। ठीक है, पर जब संध्या लिमिटेड अपने प्रॉफिट का 75% शेयर निशा लिमिटेड को देती है, तो निशा लिमिटेड का ये 75% का शेयर पूरा का पूरा उषा लिमिटेड तो ले नहीं सकती। उस 75% का 20% यानी 15%, उस 75% का 20% यानी कि 15% निशा लिमिटेड के एनसीआई बोलते हैं हमारा होगा, ऐसे कैसे तुम ले लोगे। उषा लिमिटेड को यही बोल रहा हूं ना कि भाई ऐसे कैसे पूरा का पूरा प्रॉफिट तुम्हारा है, हमने भी इन्वेस्ट किया है संध्या लिमिटेड में, उसका जो प्रॉफिट आएगा उसमें से 15% हमारा है, बराबर। ये बात सबको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट 100 है तो 100 में से 75 निशा को मिल रहा है, संध्या का प्रॉफिट 100 है तो 75 निशा को मिल रहा है और 25 एनसीआई 2 को मिल रहा है। एक मिनट थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, हाँ एनसीआई 2 को मिल रहा है। अब ये प्रॉफिट में से उषा लिमिटेड को सिर्फ 60 मिलता है, बराबर, और एनसीआई 1 जो कि हमारे निशा लिमिटेड के शेयरहोल्डर्स है वो 15 लेके चले जाते हैं। पर ये 15 के लिए देखिए आपको प्रॉफिट तब मिलेगा जब आपने इन्वेस्ट किया है, आपको 15 तब मिलेगा जब आपने इन्वेस्ट किया है। तो आपने इन्वेस्ट कितना किया है, आपने इन्वेस्ट किया 140, यानी देखा जाए तो नेट एसेट्स 275 थोड़ी है, नेट एसेट 275 माइनस 140 है, नेट एसेट्स 275 माइनस 140 है, समझ रहे हैं 135 है। लेट्स राइट द ब्रेकअप, 135 और 140, इसका 20% आपका, बराबर, 135 का 20% आपका 27 और इसका 20% 28। इसके बदले आपको यहां 15% एक्स्ट्रा अधिकार मिल रहा है, ये 28 आपने फर्गो कर दिए, ये 28 आपने फर्गो कर दिए और इसके बदले आपको 15% एक्स्ट्रा राइट्स मिल रहे हैं। बस ये कहानी है इसकी पूरी की पूरी, ये लॉजिक है। देखा जाए तो नेट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट इन संध्या लिमिटेड लेना ही नहीं चाहिए ना, आपने इन्वेस्टमेंट इन संध्या लिमिटेड लेना ही नहीं चाहिए। उसको हटाने का तरीका एक कि हम एनसीआई में पहले पूरे 275 का बाइफर्केशन दे दे रहे हैं, पहले पूरे 275 का बाइफर्केशन दे दे रहे हैं और फिर उसके बाद उसमें से माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आई होप अभी पूरा का पूरा क्लियर होगा। तो इसके साथ आज का सेशन अपन एंड करते हैं, कल से अपन शुरू करेंगे लीज सेम टाइम 10 बजे, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन हेल्पफुल रहा, अगर रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और हम हर रोज लाइव आते हैं तो इसीलिए ना अपने दोस्तों को भी बताइए कि हम लोग लाइव सेशन हर रोज लेते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर FR, मैंने कल एक वीडियो डाल दिया था कि ये 60 डेज में आपकी स्ट्रैटेजी किस तरह से होनी चाहिए अगर आप FR पढ़ना चाहते हैं, तो वो आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। हम हर रोज लाइव 10 बजे आएंगे और शाम को गुरु गुप्ता सर लाइव आएंगे लॉ के रिवीजन के लिए, तो आप लोग लॉ भी रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस आते रहें।
कम्युनिटी पोस्ट में आज का क्वेश्चन पोस्ट कर दिया जा चुका है। हर रोज इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। मैं टेलीग्राम में भी इन क्वेश्चंस को पोस्ट करता हूँ हर रोज। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।